हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम ये सुंदर सा डिजाइन बनाना सीखेंगे। इन आप अपने बच्चों के जैकेट, स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सुंदर लगता है बनके। देखिए, यहाँ तक कि आप इसे सॉक्स में भी बना सकते हो। देखिए, ये हमारा डिजाइन 6+6 के मल्टीप्लाई में आएगा और +1 एक्स्ट्रा लेंगे हम इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, को बनाना सीखते हैं। देखिए, इस डिजाइन को हम कैसे बनाएंगे। जितना बड़ा या छोटा आपको बनाना है उतना आप बॉर्डर बना लीजिए। और बॉर्डर बनाने के बाद एक रो हमने उल्टी साइड से कंप्लीट किया है, उल्टा उल्टा बनाते हुए। अब देखिए, हम सीधी तरफ से बनाएंगे। ये डिजाइन हमारा 6+6+6 ये मल्टीपल में आएगा और +1 हम एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए, इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे। फर्स्ट रो से ही हम दूसरे कलर से इसको शुरू करेंगे। देखिए, इस डिजाइन को हम इसमें ही आपको बताएंगे इतने फंदों में ही। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जितना बड़ा या छोटा स्वेटर या जैकेट बनानी है उतने आप फंदे इसमें डाल लीजिए। और एक रो हम सीधी उल्टी तरफ से कंप्लीट करेंगे और फिर हम सीधी तरफ से इस डिजाइन को शुरू करेंगे। देखिए कैसे हमें इसको शुरू करना है। देखिए, ये हमारा सीधी तरफ से है। इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और देखिए, इस फंदे को हमें ऐसे सीधा बनाना है। और देखिए, धागे को हमें ऐसे 1 और 2 टाइम्स ऐसे घुमाना है। देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे घुमाएंगे हम 1 टाइम्स और देखिए 2 टाइम्स, 2 बार हम ऐसे घुमा लेंगे। और देखिए इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में भी हमें ऐसे करना है 1 टाइम्स 2 टाइम्स, 2 बार हम ऐसे घुमाएंगे। देखिए, फिर नेक्स्ट में भी 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3, फिर देखिए नेक्स्ट में भी 1 और 2, हमारे यहाँ पे 4 हो गए। हमें 5 पे ऐसे ही करना है 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। देखिए, ऐसे 5 फंदों को हमने ऐसे बना लिया। अब देखिए, एक फंदे को फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। सॉरी, देखिए ऐसे स्लिप कर लेंगे, ऐसे उतार लेंगे। फिर 5 फंदों में हमें ऐसे ही करना है। देखिए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, 2 बार हम धागा ऐसे घुमाएंगे। सेकंड में भी हम ऐसे ही 1 और 2 ऐसे। फिर देखिए, थर्ड में भी 1 और 2 ऐसे घुमाएंगे। फिर देखिए 1 और 2, एक बार और। देखिए 5 में भी ऐसे ही 5 फंदों में 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमने यहाँ से बनाए थे। 5 फंदे हमने यहाँ से, इस फंदे को हम ऐसे ही देखिए स्लिप कर लेंगे। फिर हमें ऐसे ही करना है 1 और 2, 2 बार धागा घुमाएंगे ऐसे। फिर 1 और 2 ऐसे, फिर 1 और 2, देखिए 1 और 2 ऐसे। 5 फंदों पे हमें ऐसे बनाना है। देखिए इस तरीके से, देखिए फिर ऐसे ही 1 और 2 1 और 2 ऐसे घुमाते हुए हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, अब हमारा लास्ट का एक फंदा है, इसको हम देखिए ऐसे उतारेंगे। इसको भी बगैर बुनाई हमें उतारना है। राइट साइड से हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब देखिए, सेकंड रो बनाएंगे हम रॉन्ग साइड से। देखिए, इस फंदे को हम फिर से ऐसे ही उतार लेंगे। और देखिए, इनको हमें खोल लेना है। जैसे हमने ये, इनको देखिए ऐसे अलग अलग हम कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए, फिर हमें इस इन पांचों फंदों को ऐसे एक सिलाई में लेना है। और देखिए ऐसे बनाएंगे। फिर देखिए, हम इन धागे को ऐसे घुमाना है। यहाँ पे हमारे 1 और 2 2 फंदे हो जाएंगे। फिर देखिए ऐसे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 और 3 3 फंदे हो गए हमारे। फिर देखिए ऐसे उतारेंगे 1 2 3 4 4 फंदे हो गए। और देखिए ऐसे बना लेंगे इसको। ये हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। देखिए 5 फंदे हमने इसमें से बना लिए। और देखिए 5 फंदे हमारे 1 2 3 4 5 5 फंदे फिर हमारे आ जाते हैं ऐसे इस तरीके से। अब देखिए, इस फंदे को हमें फिर से ऐसे ही उतारना है।
देखिए फिर इनको भी हमें ऐसे खोलना है। देखिए सभी फंदों को हमें ऐसे खोल लेना है इस तरीके से। फिर हमें इनको ऐसे एक साथ ही बुन लेंगे ऐसे। देखिए फिर हमें ऐसे धागा लेना है, हमारे यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे। फिर देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए, 1, 2 और 3। फिर हम इसे ऐसे घुमाएंगे, देखिए फिर ऐसे हमारे ये 5 फंदे हो गए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे देखिए इस तरीके से। अब देखिए फिर से हमें इसको भी ऐसे ही करना है। फिर देखिए हमें इनको सभी फंदों को ऐसे इधर ऐसे एक साथ बनाएंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर देखिए इसको ऐसे बनाएंगे। 3 फंदे हो गए हमारे, फिर ऐसे करेंगे 4 और देखिए 5, फिर हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। इस फंदे को हमें ऐसे उतारना है, देखिए इसको भी हम दोनों को ऐसे ही बना लेते हैं जैसे हमने इन्हें बनाया है। देखिए इनको हमने बना लिया है। अब देखिए इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे जैसे हमने इन सभी फंदों को उतारा है, स्लिप किया है, ऐसे स्लिप कर लेंगे। अब देखिए हम सीधी तरफ से आ गए। अब सीधी तरफ से हमें सभी फंदों को ग्रीन कलर से बनाना है, सीधी तरफ से हमें सीधा सीधा बनाना है। देखिए ऐसे इस फंदे को हम बना लेंगे आपके, देखिए, और इन सभी फंदों को हमें एक एक करके बनाना है ग्रीन से, दूसरे कलर से हम इसको बनाएंगे ऐसे। देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4 और देखिए 5, ऐसे ऐसे बना लेंगे हम। देखिए यहाँ पे हमारा इसमें गैप आ जाता है, तो देखिए हमें इसको इस तरीके से इन फंदों को ऐसे उठा के एक साथ ऐसे बनाएंगे जिससे हमारे यहाँ पे जाली नहीं आएगी। और देखिए कितने अच्छे से सेट हो जाएगा, ऐसे ही हम इनको बनाएंगे ऐसे। देखिए देखिए ऐसे सभी फंदों को हम एक एक करके बना लेंगे, 5 फंदों को इनको देखिए इस तरीके से अलग अलग बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर बुनाई लगती है ये डिज़ाइन। देखिए अब इसको भी हम ऐसे बनाएंगे, देखिए पीछे से इन दोनों फंदों को हम ऐसे उठाएंगे, देखिए ऐसे इसको ऐसे इसमें बना लेंगे जिससे हमारे यहाँ पे जाली नहीं आएगी। इन इस ऐसे बनाने से देखिए इनमें ऐसे जाली आ जाती है, ऐसे ही नहीं आएगी। देखिए 1, 2, 3, 4 और देखिए 5, सभी फंदों को हमने अलग अलग बना लिया है। अब देखिए फिर से हमें इन दोनों फंदों को ऐसे लेना है इस तरीके से, और देखिए ऐसे बना लेंगे इनको भी, हमें ऐसे बनाना है सभी फंदों को ऐसे अलग अलग करके ऐसे हम बनाते जाएंगे। अब देखिए इन दोनों को भी हमें ऐसे ही लेना है इधर से धागा लेके जिससे इसमें जाली ना आए। फिर देखिए ऐसे बना लेंगे हम, देखिए इस फंदे को भी हम ऐसे ही बना लेंगे। देखिए देखिए फ्रेंड्स इतना ही डिज़ाइन हमारा कितना सुंदर लगता है बनके। अब देखिए रोंग साइड से बनाएंगे हम, रोंग साइड से भी हमें यहाँ पे सीधा सीधा बनाना है। देखिए ऐसे हमें यहाँ पे उल्टा नहीं बनाना है, देखिए सीधा बनाना है ऐसे इस तरीके से, ऐसे हम सीधा सीधा बना लेंगे। देखिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे बनाते हुए, और हम सीधी तरफ से आ जाते हैं। देखिए रोंग साइड से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम सीधी तरफ से आ जाएंगे। अब देखिए सीधी तरफ से हमें इसको कैसे बनाना है, देखिए अब हमें सीधी तरफ से देखिए ऐसे इसको वाइट कलर से बनाना है। देखिए पहले हमने यहाँ पे इस फंदे को ऐसे उतारा था डिजाइन बनाने के लिए, अब के हमें इसको वाइट से बनाना है। देखिए
ऐसे ऐसे धागे को हम दो बार घुमाएंगे ऐसे। फाइव में हम ऐसे ही करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे शुरू से इसको शुरू किया है, देखिए ऐसे 1 2 3 4 और देखिए 5 5 हो गई। अब इस फंदे को हमें देखिए ऐसे लेना है, फिर हमें ऐसे इसको घुमाना है, देखिए फिर 5 फंदों को ऐसे घुमाएंगे, फिर इसको देखिए 1 2 3 4 और देखिए 5। इस तरीके से हमारा ये डिजाइन बनता जाएगा, देखिए फिर ऐसे ऐसे हम रिपीट करते जाएंगे इसको, देखिए 1 2 3 4 और देखिए 5। फिर इसको ऐसे उतारेंगे ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5 इसको हम ऐसे उतार लेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, देखिए फोर और देखिए 5। इसको हमें ऐसे उतारना है और देखिए इस फंदे पे हमें इसको ऐसे घुमाना है, देखिए इस तरीके से हमारा ये डिजाइन ऐसे जाएगा और बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाती हूँ इसको, ये बनके पूरा कैसे लगता है, देखिए ये ऐसे बनता हुआ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ग्रीन और व्हाइट में भी बहुत ही सुंदर लगता है, आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हो, सभी कलर में बहुत ही सुंदर लगता है।